CDD की बात कर लेते हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको 40% उसके ऊपर मिल रहा है रिस्क अलाउंस, लेकिन वो हमारी समरी तकरीबन फाइनल मराहल में है, इंशाल्लाह वो रनिंग पे आ जाएगा। अभी तो उनको बेसिक पे भी मिलता है 40% और मिल रहा है, वो तनख्वाह में उनको मिलता है, ये नहीं है कि मिल नहीं रहा, लेकिन हमारी कोशिश थी। और बल्कि मैं इस मौके पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों का, वो जो अपग्रेडेशन हुई है उसमें मेरे ख्याल में हमसे ज़्यादा आप लोगों का रोल है, आप लोगों ने उसको जिंदा रखा। ये तो हमारे सोर्स थे सर। अगर हम थक भी गए तो आपने उसको हर मरहले के ऊपर आपने बचाना है हमने सर। उसको जिंदा रखा, इशू को मजबूरन गवर्नमेंट को वो करना पड़ा और उसमें शुक्रगुजार हैं हमारे सीएम साहब, उसमें बड़े पॉजिटिव थे और हम इस बात पे भी हमें खुशी है कि हमारी वजह से लेविस को भी उसमें इजाफा हो गया, वो भी हमारे भाई हमारी तरह उसी रैंक पे काम करते हैं, कम तनख्वाहें हैं, तो हमें खुशी है कि उनको भी ये बेनिफिट हमारे थ्रू मिल गया है। लेकिन बहरहाल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारा लोकल क्वेटा का प्रेस है उसने हर मौके पे उस पॉइंट को रेज किया, जहाँ ज़रूरत थी जिस फोरम पे उसको उठाया और उसकी वजह से आज हमारे जो लोअर कैडर्स हैं, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और ASIs, उनको तकरीबन 32,000 हमारे कॉन्स्टेबल्स हैं और तकरीबन 2,500-3,000 हमारे हेड कॉन्स्टेबल और 7,000 ASIs, कोई इस तरह का मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये कोई 39,000 हमारा पुलिस का मुलाजिम है जिसको इससे फ़ायदा पहुंचेगा, प्लस जो हमारे शोहदा हैं तकरीबन 900 से ज़्यादा शोहदा की फैमिलीज़ हैं, उन सबको ऑटोमेटिकली जो है उसमें उनकी तनख्वाहें बढ़ जाएंगी, उनके जो मरहूम हैं शहीद फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसकी अपग्रेडेशन उनकी भी हो जाएगी। ये सिर्फ हमारे जो माशाल्लाह जो मौजूद हैं उनका नहीं है, शोहदा को भी इसका पूरा फ़ायदा पहुँचेगा और ज़ाहिर है कि उसकी कैलकुलेशन बाद में जब उनकी पेंशन वो उस स्टेज आती है तो वो भी बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। सो ये ओवरऑल बहुत बेहतर हो गया। बाकी लोरालाई का, जी हाँ बिल्कुल, लोरालाई की तरफ इस साल के शुरू से ही जो है ये एरिया फोकस हुआ है, उसमें हमें कामयाबियाँ भी मिली हैं, हमने कुछ इनके सेल्स ख़त्म भी किए हैं और प्लस ये जिस तरह आपने देखा कल भी कि तीन उनमें से एक को हमने जो है हमारे जो पुलिस की ड्यूटी पे मौजूद एहलकार थे उन्होंने निशाना बनाया, दो ने मजबूरन अपने आप को एक्सप्लोर किया और जो हमारे अनफॉर्चुनेटली जो शहीद हुए हैं हमारे हेड कॉन्स्टेबल, अल्लाह ताला उनकी दर्जात बुलंद करे, वो ड्यूटी लगवा के सुबह और गेट से बाहर लाइन के निकल रहे थे, सामने से जब वो आते उन्होंने देखा तो उन्होंने इनको निशाना बना दिया। तो अदरवाइज बाकी दो जो एहलकार हैं वो बिल्कुल मामूली जख्मी, कल मैं उनसे मिल के भी आया हूँ और उनकी हौसला अफजाई की, कल सुबह IGFC भी गए थे वो भी उनसे मिल के आए हैं, उनकी हौसला अफजाई करके आए हैं, तो ये चल रही है, ऑनगोइंग है, लेकिन इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये जो उनका सेल है ये हम इसको टोटली एलिमिनेट करेंगे। हमारे साथ हमारी सिस्टर एजेंसीज भी इसमें निशाना बशाना काम कर रही हैं, हम अकेले नहीं हैं, CTD के साथ दीगर जो एजेंसी हैं वो भी फुल टाइम हमारे साथ, उनका तावन चल रहा है, हम उन पे डिपेंडेंट हैं, वो हम पे डिपेंडेंट हैं। इंशाल्लाह ये लोरालाई वाला जो इलाका है वो बड़ी जल्दी ये सारी इस मैनेज से क्लियर हो जाएगा जी।